जी जी उतना तो पनिशमेंट नहीं दिया अभी भी जी हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी नहीं सोच रहा जी हाँ जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही सोच मेरी सोच भी यही है हम हमारे अंदर हम कुछ चेंजिंग लाना नहीं चाहते। मैं जो है इनके बारे में देख रहा था जो अभी बर्मा के जो रोहिंग्या मुसलमान जगह जगह जो है जो कैंपों में है हैदराबाद में भी कैंपों में पड़े हुए मैंने उनके हालात का वो देखा मुख्तलिफ जो है देखिए उनकी इस्लाम से कितनी दूरी है ये लोग देखें अगर आप उनको तो इस्लाम से कितनी दूरी है आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी दूरी रही है क्या जानते रहे ये लोग इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते रहे हैं किस तरह की जिंदगी सिर्फ एक मुस्लिम नाम के नाम से जिंदगी गुजारते रहे हैं तो हालात जो है ऐसे इसीलिए अब क्या है ठीक है आप भी इस्लाम से दूर हो दूसरे लोग भी इस्लाम से दूर हैं वो मुस्लिम नहीं है गैर मुस्लिम है उनके पास ताकत है अगर आपके पास ताकत होती आप भी इस्लाम के दूर तो दोनों दुनिया में बराबर हैं आप मुकाबला करते थे अब अगर जो है आपके पास ताकत नहीं है और आपके पास मुकाबला करना है तो फिर ईमान की कुव्वत के अलावा और कोई कुव्वत नहीं आपके पास और उस कुव्वत में तो हम बहुत दूर हैं बहुत दूर हैं आप हर इलाके में जो आप सर्वे करके देख लीजिए आप जो है फिलिस्तीन चले जाइए फिलिस्तीन का जो बुरा हाल हुआ आप वहाँ के मुसलमानों के बारे में आप जो है सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अच्छे लोग भी हर जगह होते हैं लेकिन अक्सरियत कैसी मिलेगी आपको दीन से बहुत दूर थे ये लोग उस वक्त जब इनके ऊपर दूसरी हुकूमतें आकर के बैठा दी गई हैं तो ये दीन से बहुत दूर थे ये लोग ये अपनी जगह पर हकीकत है ये और भी दूसरे इलाके हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ये हकीकत है कि दीन से दूरी रही है लोगों की हम समझते ये हैं कि दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं होता है पूरी एक जिंदगी है पूरा एक जो है जिंदगी मुकम्मल जिंदगी का नाम जो है जिंदगी को इस्लाम के साँचे में ढालने का नाम इस्लाम होता है वो बहुत दूरी है तकरीबन मुसलमान इससे बहुत दूर है जो जिसकी वजह से ये आजमाइशें इनके ऊपर आती हैं बहरहाल इन आजमाइशों से अगर इस्लाम की तरफ पलट आते हैं तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है अगर पलट आते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आजमाइशों से भी कभी कभी लोग इस्लाम की तरफ पलट आते हैं तो अल्लाह ताला हो सकता है तौफीक दे दे इसी में आजमाइशों में लोग जो है इस्लाम की तरफ पलट आए ये चल कोई और सवाल हो तो बोलिए क्या क्या शरा नहीं मैं सवाल असल नहीं समझा जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो अल्लाह ताला की सिफात के बारे में ये अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उसका हाथ मेरा हाथ हो जाएगा मैं उसका हाथ बन जाता हूँ ये मुहावरे की जबान कहलाती है किसकी जबान है मुहावरे की जबान होती है जो समझ में आती है कभी भी
कोई लैंग्वेज जानने वाले इसको समझते हैं, इसको मुहावरे की जबान कहते हैं। जैसे हम उर्दू में समझाते हैं, ये कहेंगे ये इनका दायां हाथ है, बोलते हैं ये इनका राइट हैंड, जो बोलते हैं राइट हैंड है। अब ये मतलब नहीं हो जाता है कि ये उसके जो है हाथी बन गए, ये मुहावरे की जबान कहलाती है, मुहावरे की जबान है ये। एक जो हर जबान में ये चीज होती है वो मुहावरे की जबान के लिहाज से है, और उसी हदीस से ये बात सब समझ में आती है। जो असल में बाल लोगों ने ये समझ लिया है वो जो है कि हमारा मतलब ये है कि हम कहीं भी तावील करते ही नहीं, नहीं वैसा नहीं है। कहीं भी जहाँ पे मुहावरे के तौर पर कोई चीज़ बोली जाती है वो जबान का मुहावरा है, वहाँ हम भी कहते हैं कि यहाँ मुहावरे के तौर पर वो चीज़ इस्तेमाल हुई है। वो मसला अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के बारे में सिर्फ वो बात जिक्र की जाती है। इसी को लेकर के बाद लोगों की गलत फहमी होती है कि हम कभी करते ही नहीं जो है तावील, वैसा कुछ नहीं है। कुरान और हदीस की बहुत सी जो है नसों के बारे में हम भी ये बात कहते हैं, जहां आप उसको उसी लफ्ज़ के साथ नहीं महमूल कर सकते और वो समझ में आता है कि ये मुहावरे की जबान इस्तेमाल की गई है, तो वहां वही बात कही जाती है। ये तो जबान जानने वाले समझ जाते हैं उस चीज़ को। एक मरतबा एक साहब ने नकल किया ये बात कि शेख इब्न बाज़ के पास कोई शख्स गया या हिंदुस्तान से, देवबंद के फारिग जो है, देवबंद के बड़े आलिम, मुलाकात की है वहाँ पर उनसे, तो पूछा तो उन्होंने कि यहाँ कहा कि हम जो है देवबंद के, तो कहा रे वो लोग बहुत तावील करते हैं, बहुत तावीलें करते हैं। तो उन्होंने कहा झट से, और कौन तावील नहीं करता है, आप तावील नहीं करते? क्या जवाब दिया कि कौन तावील नहीं करता, कि आप तावील नहीं करते? अगर आप तावील नहीं करते तो बताइए इस आयत का मतलब, मन का नफी हादही दुनिया आमा फहुआ फिल आखिरत आमा। उसका माना उर्दू में, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। शेख इब्ने बाज़ अंधे थे उस वक्त, बात नहीं समझे आप? मतलब क्या है उस आयत का कि जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा होगा। ये मुहावरे की जबान है। ये मतलब नहीं है कि जो इस दुनिया में अंधा पैदा हुआ है तो आखिरत में भी हो, या जिस दुनिया में अंधा हो गया, पैदा तो नहीं हुआ लेकिन अंधा हो गया, तो क़यामत के दिन भी अंधा ही रहेगा, जन्नत में भी जाएगा तो अंधा ही रहेगा, ये मतलब तो नहीं है उस आयत का। जो मतलब उसका कई मुहावरे की जबान है ये जो इस्तेमाल की गई है। तो समझ में आती हैं ये बातें, ये मुतलक तौर पर हम लोग इनकार नहीं करते इस चीज़ों का। जो लोग ये समझते हैं गलत समझते हैं। वो कभी कभी दुरुस में लोग जब इस तरह की बातें आती हैं अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात की तावील ना करने की, तो कभी इतना आगे बढ़ जाते हैं उसको बयान करने में कि ये ऐसा सामने वाले को फील होने लगता है कि शायद हम कभी तावील करते ही नहीं। ऐसा मसला नहीं है, ये तो उसूल फिक्र का एक मुस्तकिल चैप्टर है, ये उसूल फिक्र का जिसको तावील कहा जाता है, और नसूस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है मुहावरे की ज़बान के तौर पर। तावील बाकायदा एक चैप्टर ही है उसूल फिक्र का, उसको पढ़ लेना चाहिए एक मरतबा। ये चंद बातें थी, वक्त हो गया है तो हम चलें। हाँ इंशाल्लाह फिर रमज़ान के बाद आपसे मुलाकात होगी। हाँ ठीक है। सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक।